हेलो एवरीवन, मैं हूँ अनुराधा। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं शेयर करूँगी बेंगोली स्टाइल एक पोटैटो मसाला। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी के लिए मैंने ले लिया है उबले हुए अंडे 4, बीच में से ऐसे कट्स लगा लिया है ताकि मसाले बहुत अच्छे से अंदर चले जाए, और ले लिया है उबले हुए आलू जिसको मैं कट कर लिया है, बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्च 2, अदरक और 2 मीडियम साइज़ के लहसुन, और एक टमाटर जिसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, और चाहिए हल्दी पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, साबुत जीरा, 1 इलायची, 3 लौंग और 1 इंच दालचीनी, 1 कप मस्टर्ड ऑयल। अगर आपको बंगाली टेस्ट चाहिए तो आपको मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करना है। सबसे पहले मैं अदरक लहसुन और मिर्ची की पेस्ट बना लूँगी। अब आलू और अंडे में 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक डाल के बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लिया है। कढ़ाई गरम हो गया है। अब मैं ऐड कर दूंगी मस्टर्ड ऑयल। अब आलू और अंडे को मैं बहुत अच्छे से फ्राई कर लूंगी। अंडा फ्राई हो गया है और अंडे को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, और अब मैं अंडे को निकाल लूँगी। देखिए, अंडे को बिल्कुल ऐसे ही फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई हमें नहीं करना है, और आलू को थोड़ा और फ्राई कर लेंगे। देखिए, आलू भी फ्राई हो गया है, अब मैं इसको निकाल लूँगी। अब इसी तेल में मैं डाल दूंगी साबुत जीरा, और जीरा को थोड़ा चटकने देंगी। ऐड कर दूंगी कटे हुए प्याज, और प्याज को तब तक भूनना है जब तक कि प्याज गोल्डन ब्राउन और सॉफ्ट ना हो जाए। देखिए, प्याज बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है, अब मैं इसको थोड़ा चला लूंगी और फिर ऐड कर दूंगी कटे हुए टमाटर, और इसको भी थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ में 1 चुटकी नमक भी डाल दूंगी ताकि टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और देखिए, टोमेटो और प्याज सॉफ्ट हो गया है, और इसको बहुत अच्छे से मैं चला लूंगी। और अब ऐड करना है हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ऐड कर देना है पिसे हुए मसाले, और मसाले को तब तक भूनना है जब तक मसाले से ऑयल छोड़ना स्टार्ट ना हो जाए। देखिए, मसाले से ऑयल छोड़ना स्टार्ट हो गया है। अब थोड़ा और इसको भून लेंगे। मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है। अब मैं थोड़ा पानी डाल दूंगी और इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे। अब मैं ऐड कर दूंगी आलू और अंडे, और इसको बहुत अच्छे से मसाले के साथ भून लेना है।
मसाले और अंडे आलू भून गए हैं, अब मैं लीड लगा दूंगी और पकने देंगे 3 मिनट। 3 मिनट हो गया है, ढक्कन निकाल दिया, अब इसको थोड़ा चला लेंगे। तब तक आपको चलाते जाना है जब तक कि मसाले का कच्चापन ना चले जाए, और जितना देर तक आप फ्राई करेंगे उतना ही टेस्टी बनेगा ये रेसिपी। मसाला रेडी हो गया है, अब मैं ऐड कर दूंगी 1 कप पानी, और पानी और मसाले को एक साथ मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब मैं लीड लगा दूंगी और पकने देंगे 5 मिनट धीमी आंच पे। अब इन खड़े मसाले का पेस्ट बना लेना है। 5 मिनट हो गया है, हम ढक्कन हटा लेंगे और अब थोड़ा मिक्स कर लेंगे। अब मैं ऐड कर दूंगी गरम मसाला पेस्ट और फिर मिक्स कर लेंगे। अब मैं 1 चम्मच घी ऐड कर दूंगी। घी ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब मैं लीड लगा दूंगी और 2 मिनट इसको पकाना है, और गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। 2 मिनट हो गया है, अब लीड हटा दूंगी, अब थोड़ा मिक्स कर लेंगे, और रेडी हो गया है हमारा बंगाली स्टाइल एक पोटैटो मसाला। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आप अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी कैसा बना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू एंड बाय।